हेलो एवरीवन, नेवी चिल्ड्रन स्कूल शिक्षक भर्ती 2024 के लिए नया विज्ञापन जारी किया गया है, जहां पीआरटी, पीजीटी, टीजीटी, टीजीटी में सभी सब्जेक्ट की वैकेंसी आई हुई है। बिना सीटेट के आप यहां अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंस नहीं मांगा जा रहा। उम्र यहां पर 21 से 50 वर्ष रहने वाली है। आवेदन बिल्कुल स्टार्ट हो चुके हैं। तो चलिए मेन वेबसाइट पर चलेंगे नेवी चिल्ड्रन स्कूल की, जहाँ से हमें एडवर्टीजमेंट देखने को मिलेगा। तो चलिए सबसे पहले हम जो है विज्ञापन देख लेते हैं, कौन कौन सी सब्जेक्ट की वैकेंसी है, क्या यहाँ पर जो है मांगा गया है। सबसे पहले पीजीटी की अगर हम बात करें तो सब्जेक्ट है अकाउंटेंसी एंड बिजनेस स्टडीज, फिजिकल एजुकेशन, इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस। स्टैंडर्ड 11th एंड 12th को पढ़ाने के लिए यहाँ पर मास्टर डिग्री आपकी होनी चाहिए इसी सब्जेक्ट में, जिसके लिए आप अप्लाई करेंगे 55% मार्क्स के साथ में, 50% मार्क्स के साथ में बीएड होनी चाहिए और आपने इस सब्जेक्ट को 12th में और ग्रेजुएशन लेवल पर पढ़ा हो। ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स में देखिए सभी सब्जेक्ट हैं, मैथ है, सोशल साइंस है, इंग्लिश है, हिंदी है, साइंस एंड संस्कृत है। ठीक है, सबसे ज्यादा डिमांड जो है वो हिंदी और संस्कृत सब्जेक्ट की रहती है। तो आप यहाँ पर अप्लाई करें, क्योंकि यहाँ पर सीटेट बिल्कुल भी जो है यहाँ पर नहीं मांगा गया है। केवल आप लोगों के पास जो है ग्रेजुएशन, जो कि आपने रेगुलर, यहाँ पर देखिए रेगुलर जो है कोर्स आपका होना चाहिए, ये यहाँ पर जो है कहा गया है। ठीक है, प्राइवेट कोर्स जिन्होंने किया है वो यहाँ पर एलिजिबल नहीं रहेंगे। बीए या बीएससी डिग्री अगर आपने किया है, जो भी सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, रेगुलर कोर्स के साथ में 60% मार्क्स होने चाहिए, बीएड में 50% मार्क्स होने चाहिए और सीनियर सेकेंडरी में 12th में आपने इनमें से सब्जेक्ट जो भी है इसमें पढ़ा होना चाहिए। पीआरटी प्राइमरी टीचर्स के लिए जो है जनरल, यानी कि जनरल सब्जेक्ट जो है मैथ है, इंग्लिश है, ईवीएस है, ठीक है, इसके लिए यहां पर कहा गया है और साथ में जो है हिंदी। तो यहाँ पर जो है बैचलर डिग्री पीआरटी के लिए जो है 12th मांगा जाता है, बट यहाँ पर मांगा जा रहा है ग्रेजुएशन। बैचलर डिग्री होनी चाहिए रेगुलर कोर्स के साथ में, 55% मार्क्स आपके होने चाहिए, बीएड होना चाहिए। ठीक है, बीएड भी जो है वो रेगुलर कोर्स होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ में। तो पीआरटी के लिए भी जो है यहाँ पर टेट नहीं मांगा गया है। तो जिन्होंने टेट क्लियर किया है तो बिल्कुल इनको जो है यहाँ पर प्रेफरेंस जरूर मिलेगी। ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट के लिए बैचलर होना चाहिए। फाइनेंशियल लिटरेसी एंड मार्केट मैनेजमेंट 6th to 12th क्लास के लिए एमकॉम या एमबीए या एमए अगर इकोनॉमिक्स से किया है आपने, या फिर मास्टर ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट या मास्टर ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज और इक्विवेलेंट अगर इसके समकक्ष अकाउंटिंग इन बिजनेस, ये सारी चीजें इनमें से अगर आपने कोई भी जो है एक किया है तो आप यहाँ पर एलिजिबल हैं। साथ में बैचलर डिग्री होनी चाहिए। नेक्स्ट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 6th to 12th के लिए यहाँ पर मास्टर या बैचलर डिप्लोमा कंप्यूटर साइंस में मांगा गया है, या फिर आपने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में बैचलर या फिर मास्टर किया है। ठीक है, और डॉएक ए लेवल सर्टिफिकेट। योगा इंस्ट्रक्टर 6th से 12th तक को पढ़ाने के लिए पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा होना चाहिए योगा में और 2 साल का एक्सपीरियंस, या जो है 5 साल का एक्सपीरियंस के साथ में अगर आपके पास डिप्लोमा या कोई भी सर्टिफिकेट है, या आपने बीएससी एमएससी योगा में किया है और 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस है, या आपने बीपीएड या एमपीएड योगा से किया है, कंपल्सरी सब्जेक्ट जो है आपने बीपीएड या एमपीएड में पढ़ा है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। स्पोर्ट्स इंस्ट्रक्टर के लिए 6th to 10th के लिए ग्रेजुएशन फिजिकल एजुकेशन में मांगा गया है। ठीक है, और बीपीएड। एक्टिविटी आर्ट टीचर जो है 1 to 5 के लिए प्राइमरी के लिए जो है ग्रेजुएशन आर्ट में, या फिर इसके इक्विवेलेंट डिग्री अगर आपके पास में है, यानी आपके पास अगर केवल जो है ग्रेजुएशन है आर्ट में तो जो है आप यहां पर अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, तो ये जो है सभी क्वालिफिकेशन रही, सब्जेक्ट रहे। उम्र जो है यहाँ पर 21 से 50 वर्ष रखी गई है। ठीक है, और सबसे ऊपर हम देखेंगे कि वैकेंसी जो है नेवी चिल्ड्रन स्कूल न्यू नेवी नगर मुंबई से ये वैकेंसी आई है। कहाँ से है? मुंबई से वैकेंसी आई है और ये 1 to 12th सीबीएसई बोर्ड स्कूल है और स्ट्रेंथ जो है इस स्कूल की 2200 स्टूडेंट्स इसमें पढ़ते हैं। यहाँ पर उसके बाद जो है यहाँ कहा है कि जो भी सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी, किसी के लिए भी कर रहे हैं, तो यहाँ पर लिखा है 2 चीजें जो है होनी चाहिए, यानी कि कम्युनिकेशन स्किल आपका इंग्लिश में होगा और योग्यता जो है आपकी यहाँ पर कम्युनिकेट हिंदी, हिंदी और इंग्लिश दोनों में जो है कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए। उसके बाद जो है थोड़ी बहुत जो है कंप्यूटर की नॉलेज होगी। तो यहाँ पर जो है आप लोगों को एप्लीकेशन फॉर्म जो है डाउनलोड करना है मेन वेबसाइट से। ये लिंक है, मैं आप लोगों को वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी ताकि आप लोग सीधा यहाँ पर जो है आ सकें। आप लोगों को एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना है, अभी मैं आपको बताऊंगी कहाँ से मिलेगा। और साथ में जो है सेल्फ अटेस्टेड कॉपी, अपनी जितने भी डॉक्यूमेंट है 10th के बाद के एजुकेशनल एंड प्रोफेशनल
क्वालिफिकेशन, अगर एक्सपीरियंस है तो लगा दे, नहीं है क्योंकि यहाँ तो मांगा नहीं गया है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को रजिस्टर पोस्ट या स्पीड पोस्ट ही केवल जो है करनी है। और 15 नवंबर 2023 लास्ट डेट जो है यहाँ पर रहने वाली है, यानी आपके पास 12 दिन रहेंगे। यहाँ पर जो है लिखा है नोट में, CWT यानी कॉमन रिटर्न टेस्ट इज शेड्यूल ऑन सैटरडे 2 दिसंबर 2023। ठीक है, तो मुंबई में जाकर ही जो है आप लोगों का एग्जाम होगा, कॉमन रिटर्न टेस्ट होगा। जो भी आप पढ़ाएंगे, जिस सब्जेक्ट को पढ़ाएंगे, जिस क्लासेस को पढ़ाएंगे, तो उसी से संबंधित जो है यहाँ पर प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो है स्कूल की मेन वेबसाइट पर आना है। वैकेंसी फॉर, आप लोगों को रनिंग में दिख रहा है वैकेंसी फॉर 2024-25, इस पर क्लिक करेंगे, एडवर्टीजमेंट मिल जाएगा, टीचर एप्लीकेशन फॉर्म आपको यहाँ मिलेगा। चलिए इसे ओपन कर लेंगे। और यहाँ पर जूनियर स्कूल और सीनियर स्कूल के लिए रहेगा, तो यहाँ पर आप लोगों को इस लिंक पर क्लिक करना है। उसके बाद एक और पेज ओपन है, डाउनलोड द फाइल, तो ये जो है एप्लीकेशन फॉर्म आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, तो इसे जो है आप लोग डाउनलोड करेंगे, पहले फिल करेंगे। ये है पूरा, यहाँ लिखा है इनकम्प्लीट एप्लीकेशन विल नॉट बी शॉर्टलिस्टेड, तो आप लोगों को जो है ये पूरा भरना है। ठीक है, तो बिल्कुल भी जो है छोड़ना नहीं है, जो भी यहाँ रिक्वायरमेंट की गई है, यदि आपके पास है तो आप कर दें, और नहीं तो जो है नो कर दें। तो ये स्कूल की मेन वेबसाइट जो है मैंने आप लोगों को बता दी है, ये जो है कंप्लीट आप लोगों के पास जो है एडवर्टीजमेंट है, इसे आप दोबारा से देख लेंगे अच्छे तरीके से। यदि आप यहाँ पर एलिजिबल हैं और इंटरेस्टेड हैं तो यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।